शांत रहेंगे, जानवर है इसके अंदर। और रिंकू देखो लेके चल रहा है, ये हमारे जान का ये सर्प एनाकोंडा है। और पैंट में छूट गया। हे प्रभु, हे हरि नाम, ये क्या हो? अरे 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 अरे, ये जंगल बहुत भारी है, इस जंगल में कभी लिखन नहीं पाते आधे आदमी। अच्छा आधे। हे सो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मेरी नई ब्लॉग में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की जो लोकेशन है ना, अमेजन जंगल की है, और हम इस समय नदी के किनारे और अपने दोस्तों के साथ में आ चुके हैं जंगलों में। और यहाँ का जो लोकेशन है दिखाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें और वीडियो में अंत तक बने रहें। और हम आप लोगों को एक ऐसी लोकेशन पर लेके चल रहे हैं जहाँ पर आपको इतना घना जंगल मिलेगा और एकदम से सुनसान वातावरण रहता, कोई भी नहीं आता है। तो वहाँ पर हम लोग बने रहेंगे। तो अभी देखो, हमारे साथ में ये सभी लोग आ भी चुके हैं, और ये देखो महात्मा भी हमारे साथ में आए हुए हैं, अपाचे वाले बाबा जी, और गाँव से भी कुछ लोग ये आए हुए हैं साथ में। कैसा लग रहा है भाई? अच्छा लग रहा है। अच्छा, इधर क्या करने आए? कुछ नहीं, छगड़ी गड़ी चलाने। अच्छा, वाह, बहुत अच्छी बात है। और तो साथ में हमारे ये भी हैं, और हमारे साथ में हैं हमारे छोटको रिंकू भैया। रिंकू भैया इधर देखो, तुमको ऑडियंस देख रही है। अरे वाह, तो हमारे साथ वीडियो में कंटिन्यू रहिए, और लेके चलते हैं उस लोकेशन पर जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। तो ये अभी यहाँ की जो लोकेशन आप देख पा रहे होंगे, वाह कितने जबरदस्त गड्ढे, महात्मा गड्ढे देख के आइयो, गड्ढे देख के आइयो, ये बहुत जबरदस्त गड्ढे हैं। घुस जाओगे, घुस जाओगे। अरे 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 अरे, हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि नाम। हे हरि नाम, हे प्रभु जगन्नाथम, ये क्या हुआ? तो मोदी को कहा है आप दोष दे रहे हो। तो अभी यहाँ देखिए, बहुत गहराई में आप लोगों को ये खेत देखने को मिलेंगे। इधर भी देखो, यहाँ की लोकेशन आप लोगों को कुछ इस तरीके की दिखेगी। वाओ, सो ब्यूटीफुल, अमेजिंग जो दृश्य है और जो ये पिक्चर है, आप लोगों को बहुत कम ही देखने को मिलता है। और ये गड्ढे वाली सड़कें क्या कहेंगे? और पैंट भी छूट गया। हे प्रभु, हे हरि नाम, ये क्या हो गया? तो अभी हम आप लोगों को लेके चलते हैं, वो सामने आप देख सकते हैं जंगल, और उसी जंगल में लेके चलेंगे आप लोगों को। और हमारे साथ वीडियो में कंटिन्यू रहिए। तो अभी आप लोग देख सकते हैं, ये कुछ लोग भी गांव से भी आ गए हैं, और इतना घना जंगल आप देख सकते हो, ये बिल्कुल अफ्रीका का जंगल, अमेजिंग जो अमेजन जिसको हम लोग बोलते हैं, वो उससे कम नहीं है। और यहाँ की जो लोकेशन है, और देखो इन लोगों ने भैया बकरियां वहीं पर छोड़ दी है, और ये लोग हमको जंगल के अंदर लेके चलेंगे और यहाँ का दृश्य देखते हैं, अंदर से जंगल कैसा दिखता है। बहुत से लोग ये बोलते हैं कि ये बहुत भयानक है, इसके अंदर जंगली जानवर भी रहते, दिन में भी कोई लोग नहीं आते, तो हमें दोस्तों डर लगता। तो वीडियो को अब हम इसी के साथ में कंटिन्यू करते हैं। महात्मा जी चलिए, चलो जंगल में देखते हैं क्या है, होता है अंदर। तो अब हम लोग यहाँ से इंटर करेंगे, और देखो यहाँ कुछ जानकार लोग हैं, वो आगे आगे अपना चल रहे हैं। तो बहुत काफी घना जंगल तो आप लोग देख ही पा रहे होंगे। रिंकू तुम्हें डर नहीं लगता? इसमें पहली बार घुस रहे हो ना? अच्छा, पहली बार आए तो इसमें बहुत ज्यादा देखो अंदर इस तरीके का लग रहा है। और अगर यहाँ पर शूटिंग वगैरह अगर हो तो वो कुछ ज्यादा ही व्यवस्था बढ़िया लगेगी। आते रहो महात्मा, हाँ कितना धीरे चलते हो, औजार निकाल लो, अपना हथियार निकाल लो, वो काम भी आएगा। तो दोस्तों अभी इसके अंदर हम आ चुके हैं, और वो टीम एक आप देख सकते हो वहां तक पहुंच चुकी है, जिसमें चार लोग हैं, ये गांव के ही लोग हैं। कुछ इस तरीके का लोकेशन आपको दिखता है, बहुत घना जंगल है। ये क्या, ये हमारे जान का ये सर्प एनाकोंडा है। ये एनाकोंडा है क्या? सर्प। जय महाकाल, जय भैरव बाबा। यार ये देखो, अभी हमने तो एकदम, हमको डर ही लगा, और हम सोच रहे ये देखिए, और इसके अंदर अभी देखो यहाँ पे रुकते हैं, इनसे भैया से पूछते हैं कि कितने किलोमीटर का जंगल होगा भैया? बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। गायब हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं लोग, तो दिन में भी डर लगता है। जानवर होते हैं, जानवर होते हैं। चलो भैया, तो हम लोग साथ में चलेंगे, और महात्मा जी ने एनाकोंडा को डाल लिया है। क्या 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 क्या, एनाकोंडा को भैया सर, एनाकोंडा को ये डाल लिया है। तो चलो चलते हैं और आगे, और देखते हैं कोई चीज
मिलती है मुझे, जानवर मिलता है या कुछ भी, भूत घोष्ट। और एक देखिए ये वीरान सी रास्ता इधर से, और काफी यार बड़ा है, और हम लोग तो इतना डर ही गए थे क्योंकि इसके अंदर जब हम लोग घुस रहे हैं देखो कोई आना जाना है यहाँ तो है नहीं किसी का, और कुछ लोग पीछे भी आ रहे हैं। तो आज पूरे जंगल का बायोडाटा लेते हैं, पूरे जंगल में घुस के उसका पूरा देखते हैं, घूम घूम करके आप लोगों को भी दिखाएंगे। और आप लोग वीडियो को स्किप ना करें क्योंकि अंत तक देखेंगे, क्योंकि लोगों का मानना है कि इस जंगल में जानवर बहुत बड़े बड़े जानवर, खतरनाक जानवर रहते हैं और सर्प भी रहते हैं, तो उनका जायजा लेने के लिए हम इस जंगल में इंटर कर चुके हैं। तो हमारी वीडियो में बने रहिए, हम आप लोगों को दिखाते रहते हैं। ये जानवरों के देखो ये कुछ गोबर है, और इसमें लगता है कि सांड वगैरह ही आते हैं कि मतलब ये गोबर किस चीज का है, देख सकते हैं ये देखो हरा हरा करके गोबर है। और ये देखो यहाँ पर जानवर, अब ये नहीं बता सकते किसका मतलब है। और यहाँ पर आप देख सकते हो पैरों के निशान भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अभी तक हम लोगों को जानवर नहीं मिले हैं, कोई जानवर मिला अभी तक? तो चलो खोजते हैं जानवर। महात्मा खोज तो भरो यार, लकड़ी तो यहाँ। हाँ रिंकू, क्या बताएंगे, आप तो एक बार विजिट कर चुके हैं शायद इसीलिए। तो ये जो लोकेशन है, ये इस लोकेशन पर ये रिंकू भैया ही हमको लेके आए थे कि चलो हम तुमको अमेजन के जो जंगल हैं, अफ्रीका के जो जंगल हैं, उससे कम नहीं है लोकेशन, वहीं पर लेके चलते हैं। तो क्या कहेंगे, यहाँ जानवर रहते हैं, शेर और स्याही, ये सब रहते हैं। स्याही भी रहती है? और क्या, स्याही रात में मिला कर देती है। अच्छा, और आप मिलने आते हो? और क्या, अरे यही तो रहते हैं। तो स्याही के बारे में क्या कहेंगे, स्याही क्या होता है? स्याही एक जानवर है। अच्छा, तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए उसके ऊपर टंक लगे होते, वही वाला तो नहीं? हाँ। तो वो मार भी देता है यार, इतना खतरनाक खतरनाक होती है, बहुत खतरनाक होती है, सियार भी रहते हैं। तो यार कैसे, तो चलो देखते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा, क्योंकि हमारे साथ में है महाकाल, और महाकाल जिसके साथ में होते हैं तो उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो हम भगवान भोलेनाथ के भरोसे चलते हैं, और क्योंकि हमारे साथ में देखो महाकाल के भक्त पीछे आ रहे हैं अनाकोंडा डाले हुए, तो हमारे साथ कंटिन्यू रहिए। क्या क्या कहेंगे, क्या कह रहे हो? ये जंगल बहुत भारी है, इस जंगल में कभी लिखन नहीं पाते आधे आदमी। अच्छा, आधे तो ये कहाँ पे लेके चलना है, किधर किधर? तो जब बहुत बड़ा है जंगल। अच्छा, हाँ। कितना बड़ा है ये, लगभग कितने किलोमीटर में होगा ये? अब इतना नहीं पता है, 600-700 किलोमीटर, 600-700 किलोमीटर होगा। हाँ। अरे वाह। तो ये कुछ देखो घुक्की बंदर है, जो घुक्की बंदर जो है वो इस पर चढ़ चुके हैं और थक चुके हैं बहुत देर से। क्या हुआ कि एक्चुअली हम लोगों को अभी इस जंगल में भ्रमण करते करते लगभग 2 घंटे हो गया है, और अब हम लोग यहाँ पर रास्ता भटक चुके हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और काफी लोग आप देख सकते हो थक भी चुके हैं, और जबकि ये लोग यहीं के लोग हैं, और फिर भी हम लोग है जो रास्ता भटक चुके हैं। अब मैं बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कहीं रास्ता नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों अब हम मैप का सहारा लेंगे और उस मैप के सहारे से हम लोग इससे बाहर निकलेंगे। और यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी बात तो ये है कि नेटवर्क काम नहीं कर पा रहा है, तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिए, हम आप लोगों को ऐसे दिखाते रहेंगे। तो ये जंगल में मंगल हो गया क्या? अरे महात्मा क्या हो गया? हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरिनाम, हे जगन्नाथम, हे जगन्नाथ, हे जगन्नाथ, हे जगन्नाथ, हे प्रभु, हे हरिनाम, क्या हुआ? अरे यार, तो अभी हम लोग कोशिश करेंगे यहाँ से बाहर निकलने की, और चलते हैं कहीं दूसरी जगह से, अगर कोई रास्ता मिलता है तो हम वहाँ पर चलते हैं। वीडियो में कंटिन्यू रहिए दोस्तों, आज ऐसा घना जंगल हमने पहली बार अपनी लाइफ में देखा है। तो अब दोस्तों हम दूसरी लोकेशन पे चल रहे हैं यहाँ से, अरे क्या लग गया, और कुछ लोग उधर से, कुछ लोग उधर जाओ, कुछ लोग इधर जाओ, बाकी सब मेरे पास आओ। तो दोस्तों अब फंस ही चुके हैं, का ही बोले। और देखो भैया कह रहे हैं इधर से चलो, वो कह रहे हैं इधर से चलो, जानवर है, जानवर देखना, चलो दोस्तों जानवर है, चुप 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 चुप, स्याही वगैरह है कुछ, क्या है, कौन सा जानवर है दोस्तों? जानवर बता रहे हैं, देखते हैं जानवर। शांत रहो शांत रहो शांत रहो, चुप रहो चुप, बिल्कुल दोस्तों शांत रहेंगे, जानवर हैं इसके अंदर। और रिंकू देखो लेके चल रहे हैं, बिल्कुल देखते कौन सा जानवर है। आहट लगी थी हम लोगों को, रुको रुको रुको, आहट लेते हैं आहट, रुको सभी लोग रुको,
कहाँ पे डर लग रहा है। यहाँ पे कहीं एक जानवर दिख रहा था, आहट आ रही थी। और शांत रहो शांत रहो शांत रहो शांत रहो। अरे नहीं नहीं वो देखो पत्ता हिल रहा। ठीक है तो अब देखो इधर कुछ लोग देखो, अब हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, आगे चलिए। और यहीं पे शायद कुछ आहट लग रही थी वहाँ पे, और कुछ नहीं वहाँ पे दिखा। तो अभी हम लोग बाहर का रास्ता खोजेंगे। बाहर के रास्ते के लिए किधर से, इधर से है रास्ता, आ जाओ भाई, हम लोग भटक जाएंगे फिर। चलो। कहाँ पे कहाँ पे अभी गो है। ये देखो कोई जानवर जो था उसने यहाँ पर देखो ये किया है, और पोटी भी करी है उसने, और पेशाब भी करी है, और जानवर नहीं मिला। दोस्तों वो हमारे साथ में जो लोग टीम आई थी, और वो टीम दोस्तों अभी हमारे को छोड़ करके कहीं जा चुकी है, दूसरी लोकेशन पे चली गई, और वो छोड़ के चली गई, और जिसकी वजह से हम रास्ता भटक चुके हैं, आप देख सकते हैं। और रिंकू भाई हमें भी ले ले यार, डर लग रहा है, डर लग रहा है। ये देखो यार बहुत, यार हटाओ इसको, आगे तो रास्ता भी जाम है साला। तो यार अब मुझे डर लगने लगा। जी जी बताएं। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं। मुश्किलें दिल के इरादे मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं। वाह। सपन के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। वाह वाह। हौसला मत हार गिरकर ओ मुसाफिर। वाह। ठोकरे इंसान को चलना सिखाती है। ठोकरे इंसान को चलना सिखाती है दोस्तों। और ये देखो बहुत अच्छा शायर भी इन्होंने यहाँ पर कह दिया, क्योंकि हिम्मत नहीं हारनी है, और हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पर आए थे जंगल घूमने, और लगभग दोस्तों हमको इसके अंदर 3 घंटे हो गया है, और 3 घंटे का समय हुआ है लगभग, और इस जंगल के अंदर हम लोग भटक चुके हैं, और रास्ता कहीं नहीं मिल रहा। तो हम लोग कोशिश करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे, और इधर से कुछ लग रहा है कि हम शायद नदी की तरफ, किनारे की तरफ आए। एक रास्ता इधर भी दिख रहा है आप लोगों को, और बिल्कुल ढाल वाला जो क्षेत्र है वहीं से हम लोग अंदर निकलते चले जा रहे हैं। हो सकता है ये रास्ता हमको नदी पर लेके चले, तो हमारे साथ वीडियो में आते रहिए, और इसकी बिल्कुल ना करें। आज का जो खतरनाक सीन जो था दोस्तों, आप लोगों को दिखाना महंगा पड़ रहा है, तो हम अभी आप लोगों को लेके चल रहे हैं। और साथ में है अनाकोंडा वाले बाबा और अपाचे वाले बाबा। अनाकोंडा तो अपने डाल दिए शुरुआत में, और अब तो भैया रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तो दादी अभी हमको देखो यहाँ पे दादी मिल गई हैं, और रास्ता हम लोग भटक गए। किधर से निकलना होगा हम लोग, मतलब बाहर निकलेंगे जंगल से, किधर से जाएं?